पर्वत स्पोर्ट्स एकेडमी ने 6th ओपन जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कराया। बताते चलें कि ताइक्वांडो एसोसिएशन चंदौली के तत्वावधान में 6th जिला स्तरीय ताइक्वांडो का आयोजन पर्वत स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित किया गया, जिसमें जिले से लगभग 150 खिलाड़ी ने प्रतिभा की। प्रतियोगिता का उद्घाटन बखरा के प्रधान सतीश सिंह पटेल विजय पटेल जी ने गौतम बुद्ध के चलचित्र पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मंच का संचालन ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव सतीश कुमार ने की। बच्चों को दुलहीपुर के चौकी इंचार्ज श्री रमेश यादव जी ने बच्चों को मेडल देकर सम्मानित भी किया और संघ के उपाध्यक्ष श्री साजू थॉमस शंकर संरक्षक दिनेश तिवारी जी ने मेडल देकर बच्चों को सम्मानित किया। मेडल प्राप्त खिलाड़ी इस प्रकार हैं: स्पर्श पटेल, आशू पाल, निहाल पटेल, आर्यन पाल, रागनी गोड़, सोनाक्षी यादव, अभय पटेल, सनी पटेल, कुंवर अखंड प्रताप, श्वेता पटेल, विकास वंशिका, मोदनवाल पांडे, प्रिंस कुमार, सागर कुमार, साहिल कुमार, शिवम कुमार, अरुण कुमार सोनकर, अनिल सोनकर, अंजलि पटेल अपने अपने भार में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसी प्रकार सिल्वर मेडल में खिलाड़ी इस प्रकार हैं कि शुभम पटेल, आभास सिंह, आदर्श सिंह, अभिषेक पटेल, सोनम यादव, नैन्सी पटेल, सनी पटेल, दीपक रिमझिम पटेल, सानवी कुमार, अमरजीत कुमार अपने अपने भार में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ब्रांच मेडल प्राप्त खिलाड़ी इस प्रकार हैं कि पायल ने अपने अपने भार में मेडल प्राप्त किया है। निर्णय की भूमिका राष्ट्रीय रेफरी संजय भारद्वाज जी, रिजवाना बेगम, सुषमा सिंह, अमन कुमार प्रदीप, गौतम धीरज यादव ने निर्णय की भूमिका निभाया। प्रतियोगिता में 205 अंकों के साथ 21 गोल्ड, 11 सिल्वर, 1 ब्रांच के साथ कर्वत स्पोर्ट्स अकेडमी का प्रथम स्थान रहा। दूसरी ओर 112 अंक के साथ इंटरमीडिएट कॉलेज मोदी नगर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं 87 अंक लेकर 8 गोल्ड सिल्वर ब्रांच के साथ SS ताइक्वांडो अकेडमी तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता उपस्थित नीरज पटेल, आजाद हुसैन, अमित मिश्रा, कृष्ण देव, गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। सर अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम साजू थॉमस, कन्वीनर जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन चंदौली। सर आज आप यहाँ पर पर्वत स्पोर्ट अकेडमी में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उसका कारण क्या है सर? इसका कारण यही है, 6th डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप, इसी में ये जिला में जो इतना जो खिलाड़ी है सब तो आ चुका है और ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। तो सर इस एकेडमी के तहत सर बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ताइक्वांडो से सर सीखने से सर बच्चों को क्या उसमें सब क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है? बच्चे बनते हैं और साथ ही साथ ताइक्वांडो स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों को सर्विस में भी छूट मिले, इसके साथ साथ आपका यूपी बोर्ड सर्विस बोर्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड में भी ताइक्वांडो और इसके साथ बच्चे ओलंपिक्स में भी ये ताइक्वांडो को जो गेम ओलंपिक्स में भी है। हम लोग का जो लक्ष्य यही है बच्चों को ताइक्वांडो सिखाए और सेल्फ डिफेंस है, ये मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस है। जी तो सर इसमें एक प्रश्न ये है कि कई बार मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि जब भी कोई जो है फाइट करता है किसी दूसरे के ऊपर, अपने मुख से कुछ जो है ताइक्वांडो में उसको कुछ आवाजें निकालता है, सर वो आवाजों का क्या मतलब तात्पर्य है और क्या मतलब उसका होता है? ताइक्वांडो निकलता है ताई या है की आवाज से उससे बच्चों को एनर्जी मिलती है। जिस तरह हम लोग कोई काम करने के लिए किसी के आक्रमण करते हैं तो आवाज देते उसे पावर मिलती है, तो ये तरह से हम जब आवाज निकालते ताइक्वांडो में है या वाचे की आवाज से, इससे बच्चों की एनर्जी पावर और बढ़ जाती है। सर ये जानना चाहेंगे कि जो है आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही हमारा है ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से, जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का, मैं चाहूँगा यहाँ से बच्चे गोल्ड लेते जाएंगे वो स्टेट नेशनल पार्टिसिपेट। हम लोग का संदेश यही होता है, देखिए हम लोग जिला में बहुत अकादमी है, हम लोग का जो मुख्य संरक्षक है डॉक्टर हाजी वसीम अहमद संघ एजुकेशन संघ वाराणसी और डॉक्टर विनय कुमार वर्मा हम लोग का संरक्षक है और ऐसे कई लोग हम लोग की बड़ा टीम है। हम लोग लगभग दो सप्ताह के पहले भी हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग जो लोग का जो संदेश ये देना चाहता है अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाइए और इसी से बहुत फायदा उनको मिलेगा और सर्विस मिलने के लिए भी, मतलब जो पुलिस है
और मिलिट्री है, वहाँ पहुँचने में इन लोग को जल्दी से आसान हो जाएगा और एकदम बॉडी फिटनेस रहेगा और किसी जरूरत पड़े उनको अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं।